ज्ञानतिमरण दशो ज्ञानंजन सलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोविष्टं मिस्थापितमेनु भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति शब्दान्तिकम् वन्दे अहं श्री गुरुं श्री श्रीयतो वैष्णवाश सागर जात सहगण तम सजीव सात सवदूत परिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सहगणललिता श्री, श्री विशाखान्वताकुणा सिंधो दीन बंधु पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभाुसुते प्रणमा हरी प्रिवा वाचाकू्य कृपा सिंधुभ्य पतिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम गोपाल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नर नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी ओ शांति 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 जय गोपाल। आइए सत्संग प्रेमीजनों मेरे प्रिय बहन भाइयों, श्रीमद् भागवत गीता का सत्संग है इसके पान करने से आदमी पवित्र हो जाता है आदमी की भावनाएं पवित्र हो जाती हैं और अपने आप को पहचानने लगता है और उस परमेश्वर की शक्ति को परमेश्वर को जानने लगता है पिछली कड़ी को जोड़ते हैं इस कड़ी से पिछली कड़ी में सत्संग था सृष्टि क्या है और प्रलय क्या है ऐसे तो श्रीमद् भागवत के अंदर चार प्रलय का चार प्रकार की प्रलय का वर्णन किया है नित्य प्रलय हो रही है नित्य हम मर रहे हैं डॉक्टर कहते हैं कि प्रत्येक सात वर्ष में हमारे शरीर का सारे सेल मर चुके होते हैं सात वर्ष में और नए सेल पैदा होते हैं प्रत्येक सेल एक जीव है आत्मा है हमारे शरीर में करोड़ों करोड़ों आत्माएं हैं लेकिन वो वो सिर्फ सेल्स है छोटे छोटे कीट है हम तो कीट नहीं हम शरीर मनुष्य के शरीर में हैं हमारी भावना बहुत ऊंचे स्तर पर है उन सेल्स और कीड़े मकोड़ों से इसलिए हम शरीर मनुष्य के शरीर में हैं वो सेल्स के शरीर में है कीट पतंग के शरीर में है कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी वो भी आत्माएं हैं लेकिन उनकी भावना इतनी मलिन है कि वो कीट पतंग और मकोड़े बने हुए लेकिन हमारी भावना में कुछ सुधार है कुछ तरक्की हमने की होगी सने सने पीछे के जन्मों में इसलिए हमको आज मनुष्य योनि मिली है मनुष्य के शरीर में है बड़े भाग मानुष तन पावा मानुसो दुर्लभो देही दे नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मनि वैकुंठम प्रिय दर्शनम ये मनुष्य का शरीर बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है शास्त्र प्रमाण है कहते हैं कि चौबीस चौरासी लाख योनिया पार करके आता है ये जीव तब कहीं जाके इसको ये मनुष्य का शरीर मिलता है और इस मनुष्य के शरीर को बड़े भाग्यशाली जीव को प्राप्त होना कहा गया है मनुष्य शरीर की प्राप्ति बड़े भाग्यशाली जीव को प्राप्त होती है क्यों क्यों भाग्यशाली जीव कहा है कि यह मनुष्य शरीर में आकर के वह भगवान को प्राप्त कर सकता है वो होश में आ सकता है कि मैं कौन हूं बाकी योनियों में पिछली योनियों में होश नहीं है कुत्ते बिल्लियों को बेचारों को इतना होश नहीं है कि हम कौन हैं? या गधे घोड़ों को इतना होश नहीं है कि वो जान ले कि हम कौन हैं? या बंदर भालू चिंपैंजी जी गौरिल्ला इत्यादि को लेकिन मनुष्य को तो होश है ये चाहे तो जान सकता है कि मैं कौन हूं इसलिए कहा है कि मानुसो दुर्लभो देही दे नाम क्षण भंगुर यह मनुष्य का शरीर बड़ी दुर्लभता से मिलता है और यह भी क्षण भंगुर है इसकी गारंटी नहीं है आज है कल हो ना हो गारंटी है नहीं है तत्रापि दुर्लभम मन वैकुंठम प्रिय दर्शनम और उस वैकुंठ को प्राप्त करने ने, करना तो थोड़ा उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा वो भी तो थोड़ा दुर्लभ तो है हर वस्तु दुर्लभ है संसार की एक कार खरीदनी हो तो बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है न जाने कहां कहां नौकरी करनी पड़ती है पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं तब जाके कहीं कार खरीद सकते हैं एक कनष्ट का टुकड़ा तो फिर वैकुंठ जो इटर्निटी जिसको कहा है उसको प्राप्त करने के लिए आपको कुछ तो प्रयास करनी पड़ेगा कुछ तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बिना मेहनत के तो कुछ मिलता नहीं तो वैकुंठ के दर्शन करने हैं वैकुंठ की ओर जाना है तो आपको जरूर कुछ प्रयास करना पड़ेगा भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी बड़े भाग तन पावा सुर बड़े भाग तन पावा ये बड़े भाग्य है जिन्होंने मनुष्य का शरीर प्राप्त किया है इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके हमें होश आ जाता है हम जान सकते हैं कि हम कौन हैं और किन कर्तव्यों से हमारा कल्याण है और किन कर्तव्यों से हमारा, हमारा पतन है भगवान ने इतना सुंदर मस्तिष्क इस शरीर को दिया है किसी को नहीं दिया वैज्ञानिक लेख 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 पढ़ा था मैंने एक दिन एक वैज्ञानिक बोलता है कि पूरे विश्व के कंप्यूटरों को एक तरफ को रख दिया जाए और मनुष्य की मनुष्य के मस्तिष्क को एक तरफ रख दिया जाए तो विश्व के कंप्यूटर इस मनुष्य के कंप्यूटर से कम क्वालिटीज में दिखाई देंगे उनके गुण धर्म कम है इस मनुष्य एक मनुष्य के मस्तिष्क में इतना गुण धर्म है तो इतनी सुंदर मस्तिष्क को प्राप्त करके ये मनुष्य जान सकता है कि मेरा कल्याण सच्चा कल्याण किसमें है यदि जानने की कोशिश करे तो जो कोशिश नहीं करेगा तो फिर यह सही मार्ग पर नहीं जा सकेगा गलत मार्ग अपनाएगा और इसका पतन होगा ये मनुष्य स्तर से फिर वापिस हो सकता है इसको वापिस घदे घोड़ों में जाना पड़ जाए कीड़े मकोड़ों में जाना पड़ जाए भगवान ने सृष्टि का वर्णन किया कि तमाम सृष्टि मेरी है फिर भी मैं इसके अंदर नहीं हूं ये तमाम ब्रह्मांड वैकुंठ जगत सब मेरे अंदर वास करते हैं फिर भी मैं इनके अंदर नहीं हूं फिर भगवान ने यह भी कहा कि ये बार बार पुनः पुने, -पुने प्रलय होती है महाप्रलय होती है तमाम ब्रह्मांड भौतिक संसार नष्ट हो जाता है और मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाता है यानी ओरिजिनल नेचर में चला जाता है ओरिजिनल नेचर है स्पिरिचुअल नेचर ये मैटेरियल नेचर है दो ही नेचर हैं, जो एक स्पिरिचुअल नेचर है एक मैटेरियल नेचर है तो भगवान जो कह रहे हैं मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाता है ये कह रहे हैं भगवान की मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाता है स्पिरिचुअल प्रकृति को प्राप्त हो जाता है आध्यात्मिक स्वभाव को प्राप्त हो जाता है भगवान का स्वभाव आध्यात्मिक है भौतिक स्वभाव नहीं है तो जो महाप्रलय में ये सारे तमाम ब्रह्मांड प्राणी मात्र चले जाते हैं ये सब मूल प्रकृति मूल प्रकृति का स्वभाव ही आध्यात्मिक है जहां से तमाम भौतिक निकला है तो फिर जीवात्माएं जिन्होंने अपने स्वभाव भौतिक बना लिए हैं वो भी महाप्रलय में महाविष्णु के गर्भ में पेट में चले जाते हैं तो उनका उनको भी भगवान की ही नेचर यानी आध्यात्मिक नेचर प्राप्त हो जाती है ओरिजिनल पोजीशन और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन को उपलब्ध हो जाते हैं अपनी मूल प्रकृति को उपलब्ध हो जाते हैं मूल स्वभाव को उपलब्ध हो जाते हैं अभी हमारा मूल स्वभाव नहीं है हमारा स्वभाव आत्मा का स्वभाव मूल स्वभाव आत्मा के साथ है लेकिन वो कंटामिनेटेड है बिगड़ा हुआ है उसका उस विकार युक्त है उसमें बड़े कलरफुल हो गया है वो। काले पीले नीले सब तरह के रंग उसमें मिल गए हैं उस क्रिस्टल क्लियर के अंदर क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर भावना के अंदर तरह तरह के रंग मिल गए हैं संसार के भोगों के विलासों के काम क्रोधों के मदमोहों के मत्सर्ये लालच ईर्ष्या के तो स्वभाव बिगड़ गया है तो ये इसको निर्मल करने के लिए भगवान बतला रहे भजन करो मेरी शरण ग्रहण करो मेरी भक्ति करो ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है तुम अपनी उस स्वभाव को प्राप्त कर लोगे उस ओरिजिनल धर्म को प्राप्त कर लोगे जो धर्म नाम से कहा है उस सच्चाई को प्राप्त कर लोगे सच्चाई यह है कि ये आत्मा प्रेम स्वरूपा है आनंद स्वरूपा है और इटरनल है यह इसकी नेचर भी ऐसी है इसका मूल प्रकृति भी ऐसी है मूल स्वभाव तो भगवान कहते हैं कल्प के प्रारंभ में कल्प के अंत में यह महाप्रलय होती है कल्प के प्रारंभ में सृष्टि होती है ये सब मेरी रचना है ये प्रलय भी मेरे इशारे से होती है और ये सृष्टि भी मेरे इशारे से होती है और ये कल्प क्षय पुनस्त, पुनस्तनादो पुनस्नादो कल्प इसमें पिछले श्लोक इस में कहा है भगवान ने कल्प क्षय कल्पादो विसर्जा हम कल कल्प, कल्प के अंत में ये प्रलय होती है महाप्रलय जिसमें तमाम ब्रह्मांड प्रलय की गोद में चले जाते हैं तो प्रलय कैसे होती है जैसे सृष्टि होती है ऐसी प्रलय भी होती है तो सृष्टि के विषय में मैं कह रहा था पिछले एपिसोड में कि मूल प्रकृति में भगवान विकार पैदा करते हैं और विकार युक्त करते हैं तो अहंकार प्रकट होता है ये अहंकार से ही सब कुछ प्रकट होता है अहंकार से ही ये ब्रह्मांड प्रकट होते हैं अहंकार तीन ब्रांचों में बढ़ता है तमोगुणी सत्योगुणी रजोगुणी इनसे ही ये हमारे तमाम ब्रह्मांड की मन बुद्धि दसों इंद्रियां और पंच महाभूत चौबीस तो तत्व सब निकलते हैं इन अहंकारों से तो मैं बतला रहा था कि ये तमोगुणी अहंकार से ये पंच महाभूत प्रकट होते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि व्यक्तमेव इंद्रियाणी दस च चे, पंच चेंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति ये सब एक मूल प्रकृति के ही सृजन है उनसे ही निकलते हैं सब मूल प्रकृति को क्षोभित करते भगवान स्वयं श्री कृष्ण तो ये सब कुछ प्रकट होता है अहंकार से तमोगुणी अहंकार से पंच महाभूत प्रकट होते हैं जल अग्नि वायु आकाश और पृथ्वी रजोगुणी अहंकार से हमारी दसों इंद्रियां और बुद्धि प्रकट होती है मेधा और सतोगुणी अहंकार से मन प्रकट होता है ऐसे इनके अधिष्ठात्री देवता है जैसे मन का अधिष्ठात्री देवता कौन है अनिरुद्ध, बुद्धि का प्रद्युम्न अहंकार जो हमारे अंदर है उसका संकर्ष चित्त चित्र वासुदेव ऐसे ही हमारी वाणी जो बोलते हैं इसका अग्निदेव अधिष्ठात्री कंट्रोलर यूनिवर्सल कंट्रोलर कॉस्मिक कंट्रोलर इज द अग्निदेव वाणी के अंदर अग्नि नियोगी तो आप बोल नहीं सकते रसना का जलदेव वरुण देव, देव ये इनके यूनिवर्सल फ्रेम पर कंट्रोलर है कानों के दसों दिशाएं त्वचा के वायुदेव स्पर्श के ऐसे इनके अधिष्ठात्री देवता हैं। दसों इंद्रियों के पाओ के विष्णु देव हाथों के इंद्र देव यम गुदाद्वार के यम इत्यादि देवता हैं इनके सब कंट्रोलर है नियामक यहां हम कहते भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि इंद्र ब्रह्मा जी की इंद्रिय यानी जनन इंद्रिय में खुजली चलती है तो तमाम ब्रह्मांड की जनन इंद्रियों में खुजली चलती है और ये एक दूसरे से मिलन करके संभोग करके बच्चे पैदा करते सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं ब्रह्मा जी काम कला के कंट्रोलर हैं इस तरह से हम स्वतंत्र नहीं है हमको कहीं से कंट्रोल किया जाता है यूनिवर्सल फ्रेम पर हम बेशक मानते चले कि हम स्वतंत्र हैं भारत आजाद है कहीं भी थूको लेकिन बात वो नहीं है एक मिनट एक क्षणिक स्वतंत्रता ये जीव को दी है वो कर्मों में दी है कर्मणी वाधिकार कर्म में तेरा अधिकार है तू कैसे भी कर्म कर सकता है तुझे मैं रोकूंगा नहीं भगवान कहते हैं मां फलिसु कदाचन इन फल क्या मिलेगा उसमें ये तेरी इच्छा से नहीं मिलेगा इसमें तेरी इच्छा नहीं चलेगी इसमें मेरी इच्छा चलेगी कर्मणी वाधिकार अस्ते मां फलिसु कदाचन माँ कर्म फल हेतूर भूर माते संगो अस्तु कर्मणी इसलिए अर्जुन तू तो कर्मों के फल में आसक्त मत हो कर्म कर कर्म कर कर्म कर कर्म निष्काम कर निष्काम कर बार बार गीता उपदेश यही करती है निष्काम कर इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म मत कर उस प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कर्म कर प्रभु की सेवा में कर्म कर प्रभु की शरण में कर्म कर ये गीता का उपदेश है सृष्टि हुई प्रलय महाप्रलय में भी ऐसे ही होता है सृष्टि में जैसे आकाश में विकार, अहंकार में विकार हुआ तो अहंकार तीन जगह विभाजित हुआ तो और थोड़ा इसको खोल के समझाता हूं कि ोगुणी अहंकार से पंच महाभूत प्रकट हुए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आकाश विकार युक्त होता है तो वायु बनती है और वायु विकार युक्त होती है तो अग्नि बनती है और अग्नि विकार युक्त होती है तो जल बनती है और जल विकार युक्त होता है तो पृथ्वी बनती है इस तरह से सृष्टि उतरती है अनंत मेटीरियल वर्ल्ड की ऐसे महाम्रलय का वर्णन है पृथ्वी का गुण धर्म है अरोमा गंध जल का गुण धर्म है स्वाद अग्नि का है रूप वायु का है स्पर्श आकाश का है शब्द कहते हैं महा के समय में श्रीमद् भागवत गीता में सुखदेव गोस्वामी जी उपदेश करते हैं परीक्षित महाराज को कि महामहाप्रलय जब होती है अनंत ब्रह्मांडों की प्रलय तब इस पृथ्वी पर इतनी वेगवती वायु चलती है जिससे अग्नि भी प्रज्वलित होती है ये संकर्षण के मुखारबिंद से उसकी क्रोध की सांसों से निकलने वाली लपटें वायु और अग्नि की चलती हैं वेगवती वायु चलती है हजारों वर्षों तक सब कुछ सूख जाता है जल बारिश नहीं होती सब मर जाते हैं प्राणी मात्र इसके बाद में बड़ी बारी मूसलाधार बारिश होती है उस बारिश की बूंदें हाथी की सूंड जैसी होती हैं, सतत लगातार हाथी की सूंड जैसी ये भागवत के अंदर वर्णन है और ये पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है जल का गोला बन जाती है ऐसी चारों पृथ्वी नहीं रहती पृथ्वी की गंध चली जाती है पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है वेगवती वायु चलती रहती है और जल भी अग्नि का रूप धारण कर लेता है अग्नि का गोला बन जाती है पृथ्वी जैसे साइंटिस्ट ने इसकी खोज की कि कभी ये पृथ्वी अग्नि का गोला थी धीरे धीरे ठंडी हुई तो हम रहने लगे जीव पनपने लगे साग सब्जियां उगने लगी ये सत्य है लेकिन अग्नि का गोला भी जब रूप अरूप हो जाता है तो वायु बन जाता है फिर ये पृथ्वी को देख नहीं सकते आप कोई ब्रह्मांड सारा ब्रह्मांड की बात बोल रहा हूं सारा ब्रह्मांड इस तरह से जब रूप खत्म हो जाता है तो वायु स्वरूप से स्थिर होता है अब वायु ही वायु है वायु के अंदर ये गुण ये समाये हुए पृथ्वी जल अग्नि लेकिन अब वायु स्वरूप से है लेकिन वेगवती वायु के अंदर वो वायु को भी वायु का गुण धर्म स्पर्श खत्म हो जाता है तो ये आकाश बन जाती है वायु भी नहीं रहती अब आकाश ही रह गया आकाश में भी ये चारों समाहित है महाप्रलय में ये आकाश भी विलीन हो जाता है तो ये तमाम भौतिक चौबीस तत्व रिटर्न होके अपनी सूक्ष्म प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं यानी मूल प्रकृति में चले जाते हैं वो मूल प्रकृति में ये इटर्नल शाश्वत रूप से रहते हैं सदैव के लिए रहते हैं यह सब भगवान की सृष्टि और प्रलय का इस तरह से व्याख्यान किया ये सब भगवान की भ्रगुटी के इशारे से यह बार बार होता है इसलिए भगवान कहते हैं कि कल्पादो पादोज कलपादो विसृजाम्य हम क्षय कल पुनस्तानी कल्पादो पादो हम तो ये तमाम जो जीवात्माएं ये भी स्पिरिचुअल नेचर को प्राप्त हो जाती है मूल प्रकृति को और ये तमाम जो चौबीस तत्व हैं भौतिक ये भी मूल प्रकृति को यानी स्पिरिचुअल नेचर को प्राप्त हो जाते हैं जिस नेचर में जिस स्वभाव में विकार नहीं आता जब भगवान विकार युक्त करें तभी दोबारा से पुनः सृष्टि होती है तब तक ये स्पिरिचुअल नेचर में रहते हैं इसलिए भगवान कहते हैं ये मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाती है महाप्रलय में कई बातें भगवान ने कही तमाम ज्ञान दिया सृष्टियों का और प्रलय का भी अभी भगवान एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं आइए इस श्लोक में बड़ी सुंदर बात भगवान ने कही है ये नौवे अध्याय का ग्यारहवा श्लोक है अवजानंती माम मूढ़ा हम गीता के पूरी तरह से विवेचन में लगे हुए हैं कोई भी श्लोक ऐसा नहीं है जो मैंने पढ़ा नहीं हो सभी को क्रम से पढ़ता चला आ रहा हूं जो सत्संग प्रेमी इसका लाभ ले रहे हैं उनको अवश्य लाभ मिलेगा भगवान की भक्ति और भगवान मिलेंगे भगवान कहते हैं कि अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम परम भाव अजानंतो मम भूत महेश्वरम ये श्लोक जो वास्तव में भगवान को व्यक्तिगत रूप से नहीं मानते नहीं जानते उन्हें अवश्य समझना चाहिए और भगवान के किसी शुद्ध वक्त के मुख से सुनना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या कह रहे हैं क्या कहना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अवजारंती माम मूढ़ा मूढ़ा किसको कहते हैं या तो मूर्ख को मूढ़ा कहा है? या उनको कहा है जो अनकॉन्शियस है अनकॉन्शियस का मतलब ऐसा अनकॉन्शियस नहीं कि किसी को चक्कर आ गए और गिर गया बेहोश हो गया नहीं ये नहीं यानी मूर्छित होकर के इस जीवन को जी रहा है अंधकार सामने है और चला जा रहा है अंधकार में रमन कर रहा है अज्ञान में रमन कर रहा है पागलपन प्रमाद में भ्रमित हो रहा है Atlantic Farm Cash and Carry ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਵਧਾਈ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਫਰੈਸ਼ ਫਲ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਗ੍ਰਾਊਸਰੀ ਖਰੀਦਣ